यहाँ पर लोग इमरान खान चलो चलो जाकर भाग के बैनर उठाए हुए हैं और हर तरफ का सुना है। इस वक्त हम मुझे खबर जा रहे हैं जहाँ पर हमें स्पेशल वीडियो देखने को मिलेगी। नाजरीन ये देखें नाजरीन स्पेशल इमरान खान ठीक है और हमारा नाम है एजेंट। ये देखें नाजरीन इस वक्त एक ज्यादा इमरान खान का झंडा हिला रहा है ठीक है। नाजरीन हमें दूर दूर से अपनी यात्री करनी पड़ेगी क्योंकि हम पेट्रो एजेंसी से यात्री करते हैं और देखें एक स्वामी एक वहाँ की सूरत इमरान खान की यहाँ पर आ चुकी है और देखें बच्चे बूढ़े नौजवान औरतें सब इमरान खान की जश्न में खुश हैं और ये इस बात की गवाही दे रहे हैं इस बात की निशानी दे रहे हैं कि इमरान खान जो है इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे और इनकी ये देखें नाजीन विपरी विपरी ये देखें नाजीन ये चीज बहुत अलग बहुत अच्छे ये देखें नाजीन इस वक्त एक बंदा इमरान खान के जाने जो कि इमरान खान के साथ मौजूद है ठीक है और यहाँ पर इंशाल्लाह इमरान खान तब फिजिकल कहाँ लेके आएंगे बात करेंगे हैं बात करनी है आपने क्या कर रहे हैं बात करनी है इंटरव्यू देना किसे देगा ये मुझे देगा ना हमारे एक पेज है उसके लिए हम क्या बात फेसबुक पे देगा ना बाद में जी इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद है उनसे हम इंटरव्यू लेते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई आपका नाम क्या मोहित बाजी। आप हमें बताएंगे ये जो एक सुनामी एक तूफान आ चुका है इमरान खान तब्दीली का निशान रावलपिंडी के शहर में आ चुका है इससे आप क्या कहेंगे कि आपके लीडर हमारे लीडर इमरान खान इस दफा इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह वी वोन द इलेक्शन आई लव इमरान खान। और आप बताएंगे ये जो ये देखा हमारे सामने पंडाल है और पंडाल इस वक्त भरा हुआ ठीक है हमारे एक और एजेंट होमी शाह ने हमें रिपोर्ट दिया के अंदर 50,000 लोगों के बैठने की बच्चे बूढ़े और सबको मिला के 50,000 का दाल है तो आप जीतेंगे देखेंगे कि इंशाल्लाह इमरान खान इलेक्शन जीत सकेंगे इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे 50,000 से भी ज्यादा लोग आएंगे। क्या देखें नाजरीन इस वक्त मेजर अनीस साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ठीक है और इमरान एजेंट ने राजी शाह आपके साथ अपने लोगों को आगाह कर रहे थे ठीक है चैक्टरिंग कर रहे थे ठीक है नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक लंबी ज्यादा फिर जो एजेंट सीनियर एजेंट राजी शाह आपके साथ मौजूद था। पाकिस्तान जिंदाबाद।